Hi friends, welcome back. So let's continue with where we left last time. So last time हमने ये reverse position सारे letters के confirm किए थे, revise किए थे. I hope आपने इसको करना भी शुरू किया होगा. तो अगर आपको reverse position याद है तो उसको उसका और एक double फायदा है. आपको हर किसी letter का reverse position भी आप निकाल सकते हो, counting निकाल सकते हो. तो जैसे ये रिवर्स कोडिंग का फॉर्मेट है उसके लिए काम आ सकता है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि अगर आपको किसी कोडिंग डिकोडिंग में के लिए पी या पी के लिए के नजर आ रहा है या जे के लिए क्यू, क्यू के लिए जे नजर आ रहा है तो दैट गिव्स यू द हिंट ये शायद रिवर्स कोडिंग फॉर्मेट चल रहा है. तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपने सच में रटा किए तो दूसरा फायदा भी ये रहेगा कि ये आपको रिवर्स पोजिशन याद करने में हेल्प कर सकता है. अभी ये एग्जैक्टली हेल्प कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ. पहले कुछ लेटर्स, पहले लेटर सिंपल ही याद रखने के लिए इसके लिए बता रहा हूँ. I'll discuss this for these letters also. अभी solving की बात करें तो exactly हम क्या बात कर रहे हैं या exactly ये याद कैसे रखना वो देख लेते हैं. तो अगर आपको E का रिवर्स पोजिशन चाहिए, ठीक है, तो E का रिवर्स पोजिशन चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए. E के साथ क्या आ रहा है, V, ठीक है. तो E के साथ अगर V आ रहा है तो E का रिवर्स पोजीशन क्या रहेगा, जो V का सही पोजीशन है वो E का रिवर्स पोजीशन रहेगा. फॉर एग्जांपल मैं सही पोजीशन यहाँ पर पहले लिख देता हूँ. E का सही पोजीशन 5 है, V का सही पोजीशन 22 है. तो इफ यू वांट रिवर्स पोजीशन ऑफ E, E का Z से लेके काउंट कितना आएगा, तो E का कॉम्बिनेशन बन रहा है V के साथ. तो जो V का सही पोजीशन है वो E का उल्टा पोजीशन है, रिवर्स पोजीशन है. आप चाहो तो काउंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. आप देख सकते हैं ये 22 वाला लेटर बन रहा है, ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी दोनों साइड से वैलिड है. मतलब जो V का सही पोजीशन है वो E का उल्टा पोजीशन है. उसी तरीके से जो E का सही पोजीशन है 5 वो V का उल्टा पोजीशन. आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये V का उल्टा पोजीशन 5 है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. अभी आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. लुक, इनिशियली आपको लग सकता है कि ये थोड़ा टाइम खा रहा है, बट अगर आपको ये कॉम्बिनेशन आपने अगर रट्टा कर लिए, एक बार ये दिमाग में फिट हो गया ना, तो ये बहुत फास्ट काम करेगा. मैं कहता हूँ सुपर फास्ट काम करेगा. मैं आपको और एक एग्जांपल ले देता हूँ. लेट्स अज्यूम कि आपको जे का उल्टा पोजीशन निकालना है. तो आपको अगर कॉम्बिनेशन रट्टा है, जे के साथ क्यू आता है, जे क्यू, जैक कैरिस या जैकलिन फर्नांडिस, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैसे याद रखना. तो जे के साथ क्यू आ रहा है, क्यू का पोजीशन होता है 17, क्यू का पोजीशन 17 है, करेक्ट पोजीशन, तो जे का रिवर्स पोजीशन 17 रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो आपको ये कॉम्बिनेशन याद करने हैं. तो ये 10 है, ये 17 है, और जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर बताया वो वापस बता देता हूँ. क्यू का जो करेक्ट पोजीशन 17 है तो जे का रिवर्स पोजीशन 17 मिलेगा, और जो जे का सही पोजीशन 10 है वो क्यू का रिवर्स पोजीशन 10 बन जाएगा. तो आप उल्टा काउंट करोगे तो क्यू आपको 10th मिलेगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है. आई एम रिपीटिंग दिस फॉर एल ओ. आपको ओ का उल्टा पोजीशन निकालना है, तो जो एल का सही पोजीशन है वो O का उल्टा पोजीशन है. तो L12 याद है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया. सो दिस इज 12, तो इसका उल्टा पोजीशन रिवर्स पोजीशन 12 रहेगा, और ये 15 था राइट, तो इसका रिवर्स पोजीशन L का 15 बनेगा. आप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस. इसके लिए थोड़ा वक्त देना होगा. मेरे ख्याल से आप रोज पढ़ रहे हो तो 10-15 दिन का वक्त काफी है. नाउ दिस इज वन वे टू रिमेंबर द रिवर्स पोजीशन. रिवर्स पोजीशन का मेरे ख्याल से, मतलब मेरा ओपिनियन पर्सनल ये है कि दिस इज अ बेस्ट वे टू रिमेंबर द रिवर्स पोजीशन. इसी के साथ और एक तरीका है रिवर्स पोजीशन याद करने का, लेकिन उसमें थोड़ा सा नंबर वर्क है, थोड़ा सा सॉल्विंग है. तो वो क्या है वो भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं. तो जो रिवर्स पोजीशन अगर आपको निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला है, 26 माइनस द करेक्ट पोजीशन प्लस 1. फॉर एग्जाम्पल चलो मैं ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, के और पी का. अगर आपको के का रिवर्स पोजीशन निकालना है, के का रिवर्स पोजीशन निकालना है तो के का सही पोजीशन याद होना जरूरी है. तो के का सही पोजीशन होता है 11,
ठीक है, के का सही पोजीशन 11 है प्लस 1, सो 26 माइनस 11 प्लस 1 ये आपको 15 प्लस 1 16 मिल जाएगा, ठीक है। और एनीवे पी 16 अगर आपको पता है तो ये जल्दी और आपको बता देगा कि ये 16 रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लेट्स डिस्कस इट फॉर एचएस। अगर आपको एच का उल्टा पोजीशन निकालना है, ठीक है, तो एच का सही पोजीशन है 8 प्लस 1, ये रहेगा एच का उल्टा पोजीशन, ठीक है। तो ये बन जाएगा 26 माइनस 8 हो गया आपके पास 18 और एक हो गया 19, 19 इज द रिवर्स पोजीशन फॉर एच। और आपको अगर पोजीशन पता तो एच का सही पोजीशन था 19, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट द रिवर्स पोजीशन। या आपको काम आ सकता है लेटर टू लेटर कोडिंग में, या लेटर टू नंबर कोडिंग, या कोरिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर लेटर पोजीशन ऐड करना, ये रिवर्स पोजीशन ऐड करना है, लेटर पोजीशन मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कुछ लॉजिक्स आपको मिल सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ तो इस वीडियो को लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। विल मीट अगेन विद सम न्यू वीडियो एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय।